तमाम डॉक्टर्स को मेरा सलाम। लास्ट वीडियो में हमने जो है प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल से हमने देखा जो है कॉमन लिम्फोइड सेल स्टेम सेल बन रहे हैं और उनके आगे से जो है जो सेल्स बन रहे हैं उन्हें वहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब हम देखेंगे कॉमन मेलॉइड सेल से कौन कौन से जो है न्यू सेल्स बन रहे हैं। कॉमन मेलॉइड स्टेम सेल, कॉमन मेलॉइड स्टेम सेल जो है बेसिकली ये मल्टीपोटेंट फेज है, मल्टीपोटेंट। इसके बाद जो है मेलॉइड स्टेम सेल एंटर होता है नेक्स्ट फेज में जिसे हम कहते हैं क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट। क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट में जो सबसे पहला ग्रुप है उसमें हमारे पास तीन सेल्स आते हैं, एरिथ्रोइड, मेगाकेरियोइड और बेसोफिल, बेसोफिलिक। जो सेकंड ग्रुप है उसमें हमारे पास आएंगे मोनोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स। और थर्ड में हमारे पास इयोसिनोफिल्स हैं। अब जो है देखेंगे कि जब ये स्टेल जो ये क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट्स हैं डिफरेंट प्रोसेस से गुजर कर जो है कौन कौन से सेल्स बना रहे हैं। एरिथ्रोइड जो है डिफरेंट जो है सेल से गुजर कर जो है वो बनाता है रेड ब्लड सेल। ये हम जो है डिटेल में लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं, डिफरेंट स्टेप से गुजरेगा और रेड ब्लड सेल बनाएगा। तो हम ये कह सकते हैं एग्जामिनर में जो क्वेश्चन करता है, जी रेड ब्लड सेल जो है प्रीकर्सर सेल किसका है, एरिथ्रोइड का। वो वहाँ पर ये चार पांच ऑप्शन देगा और वहाँ पर कंफ्यूज कर रहा होगा, चाहे ये देगा इसका इसका देखेगा, हाँ जी ये इसका जो है एंड प्रोडक्ट जो है कौन सा सेल है। एग्जामिनर ये क्वेश्चन कर रहा होता है ज्यादातर, एक क्वेश्चन मस्ट यहाँ से आता है। मेगाकेरियोइड से प्रोडक्ट आगे बन रही होती है मेगा केरोब्लास्ट जिससे प्लेटलेट्स बन रहे होते हैं हमारे। बेसोफिल से जो है बन रहे होते हैं बेसोफिलिक ब्लास्ट और बेसोफिलिक ब्लास्ट से हमारे बेसोफिल सेल बन रहे होते हैं जो सिमिलर होते हैं मास्ट, हमारे मास्ट सेल्स में। ठीक है, बेसोफिलिक सेल्स पर जो है आईजीई प्रोटीन्स आईजीई जो है प्रेजेंट होती है आईजीई, और मास्ट सेल्स पर भी आईजीई प्रेजेंट होती है। इनमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये सर्कुलेशन में चला जाता है सीआईआरसी, ये सर्कुलेशन में अवेलेबल होगा और मास्ट सेल्स जो हैं वो हमारे स्मूथ मसल्स पर। ठीक है, मोनोसाइट्स को अब देखते हैं। मोनोसाइट्स जो हैं वो शहजादे जनाब साहब जी आगे फर्दर डिफरेंट स्टेप से गुजरते हुए मोनोसाइट्स बनाएंगे और जिसकी एंड प्रोडक्ट में हमारे न्यूट्रोफिल मिलेंगे।
सॉरी जो है यहाँ पर, सॉरी जो है यहाँ पर जो मोनोसाइट्स हैं वो न्यूट्रोफिल्स नहीं बना रहे होते हैं, मोनोसेल्स जो हैं आगे जाके मैक्रोफेजेस बना रहे होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स की जो एंड प्रोडक्ट जो सर्कुलेशन में रिलीज होगी वो न्यूट्रोफिल्स है। और इओसिनोफिल्स की जो एंड प्रोडक्ट जो है, जो हमारे डिफरेंट स्टेप से पहले जब ये गुजरता है, पहले इसकी प्रोडक्ट बनती है इओसिनो फिलोब्लास्ट, जिससे एंड प्रोडक्ट बनती है इओसिनोफिल। यहाँ पर हमने देखा जनाब साहब जी, मोनोसाइट्स जो हैं मैक्रोफेजेस बन रहे हैं ड्यूरिंग द प्रीनेटल डेवलपमेंट। क्या हो रहा होता है, जो सेल जो है मोनोसाइट्स डिफरेंट जगह पर जाकर जो है डिफरेंट सेल्स बना रहे होते हैं, और जिस जगह पर जाएंगे वहाँ पर ये अपने आप को जो है डिफरेंशिएट करके डिफरेंट सेल्स बना रहे होंगे। अब कुछ लिस्ट है, एग्जामिनर या तो यहाँ से पिछली डिस्कशन से क्वेश्चन करेगा या यहाँ से करेगा। जो सीएनएस के जो सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ग्लिया, माइक्रो ग्लिया। बेसिकली ये भी जो है मोनोसाइट से बन रहे होते हैं, मोनोसाइट मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होकर डिफरेंशिएट होकर सीएनएस पे जाके जो मैक्रोफेजेस होंगे उन्हें हम कहेंगे माइक्रो ग्लिया। लीवर के सेल्स को हम कहेंगे कफर सेल्स। अब वो एग्जामिनर ये कहेगा, हाँ जी जनाब साहब जी, कफर सेल्स जो हैं प्रिकर्सर सेल्स किसकी हैं? वो मोनोसाइट्स के प्रिकर्सर सेल्स हैं, ठीक है। लंग्स के सेल्स को एल्विओलर मैक्रोफेजेस कहेंगे। मैक्रोफेजेस, स्प्लीन और लिम्फ लिम्फ नोड्स के सेल्स को, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, डेंड्रिटिक सेल्स कहेंगे। किडनी के सेल्स को हम मेसेंजियल सेल्स कहेंगे। और ये एक एग्जाम का क्वेश्चन भी था, ठीक है। बोन्स के सेल्स को ऑस्टियो कहेंगे। और हमारे जो अंडर स्किन हैं, अंडर स्किन सेल, उन्हें हम कहेंगे लैंगर हैंसल, लैंगर लैंगर हांसल,